हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है चुन चुन जा किचन रेसिपी में। आज हम आपको बताएंगे कि लौकी की बर्फी बनती कैसे है। पहले लौकी का छिलका छील लेंगे, उसके बाद कद्दू घस पे उसको अच्छे से बारीक से घस लेंगे। फिर हमने जो लौकी को घस के रखा था उसको एक सूती कपड़े में डाल के उसका पूरा पानी को निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से। फिर कढ़ाई चढ़ा के उसमें अपने हिसाब से 2-3 चम्मच घी डाल लेंगे उसमें। फिर जो हमने लौकी को घस के निकाल के रखा हुआ था उसको फिर कढ़ाई में डाल लेंगे। फिर उसके बाद चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए तो आप सभी को पता ही होगा कि चाशनी बनता कैसे है। तो चाशनी बनाने के लिए फिर भी ले लेंगे चीनी, एक पतीले में चीनी डाल लेंगे और पानी डाल देंगे और गैस पे चढ़ा के छोड़ देंगे। जब तक चाशनी तैयार होगा जब तक हम आगे का कार्यक्रम कर लेते हैं। लौकी को अच्छे से भूज लेंगे जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए, अच्छे से पक ना जाए, जब तक इस चम्मच से इसको चलाते रहेंगे। उसके बाद जो हमने चाशनी बनने के लिए छोड़ा था वो हमारा बन के रेडी है। तो उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे ऊपर से चाशनी, पहले ही डाल लेते हैं, इसमें बाद में नहीं डाला जाता। चाशनी बनना अच्छे से बनता नहीं है तो इसमें इसलिए पहले चाशनी डाल लेंगे। इसमें चाशनी डाल के इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा रस अंदर अंदर तक चले जाए और टेस्ट भी एकदम मीठा मीठा सा आए, इसलिए इसको अच्छे से चम्मच से चला लेंगे। मैंने ये कुछ बादाम ले लिए, काजू ले लिए, थोड़ा किशमिश ले लिए, पिस्ता ले लिए, दाना ले लिए और ये खुआ हो गया, ये मैंने नारियल के बुरादा हो गए। फिर इसमें इलायची डाल लिए, और ऊपर से इसमें काजू डाल लिए, बादाम डाल लिए, काजू बादाम और थोड़ा सा किशमिश ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद जब निकालेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और ऊपर से इसमें वो घिसा हुआ नारियल डाल लिए, फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद ऊपर से इसमें जो हमने खुआ बना के रखा हुआ था पहले से ही, फिर उस खुए को भी डाल लेंगे इसमें, क्योंकि खुआ डालने से टेस्ट सही में बहुत बढ़िया आता है। मैंने भी टेस्ट किया था तो बहुत बढ़िया आता है। ऊपर से इसमें खरबूजे का बीज डाल लेंगे, खरबूजे का बीज और थोड़ा सा ऊपर से किशमिश वगैरह सब तो डाल ही लिए थे तो फिर भी कम पड़ रहा था इसलिए ऊपर से डाल लेंगे अगर कम पड़े तो। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसको कढ़ाई पे छोड़ देंगे धीमे आंच पे ताकि अच्छे से ये पक जाए और बन के तैयार हो जाए। फिर लौकी का बर्फी बन के तैयार, निकाल के उसको एक शेप दे देंगे अपने हिसाब से, उसको शेप दे देंगे। फिर आपका लौकी का बर्फी बन के तैयार है। अगर आज की ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूले ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।